हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं डायमंड ब्यूटी पार्लर से आज आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ, जो है हेयर कटिंग की। इनकी आप पीछे से बाल देख सकते हैं कैसा है हेयर, और मैंने आगे से भी करके दिखाया है। इनका आगे से भी देख लीजिए किस तरीके का हेयर है। इनको अपने फेस का लुक चेंज कराना था, थोड़ी सी मीडियम साइज के हेयर करने के लिए बोली हैं। इनको आगे से हेयर थोड़ी बेबी चाहिए, कुरियन वाला चाहिए, और आगे से लेज़र भी चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरीके का हेयर कटिंग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और अगर आपको भी इस तरीके से हेयर कटिंग सीखना है, आपका पार्लर है तो भी पे इस तरीके से करिए, अगर आप घर पे बैठ के सीखना चाहती हैं तो भी पे इसी तरीके से करिए, आपको भी आ जाएगा। जिस तरीके से हम सेक्शन निकाल रहे हैं इसी तरीके से आप भी निकालिए। जिधर के सेक्शन निकालना है उधर का निकाल के और एक्स्ट्रा हेयर को सेक्शन क्लिप की हेल्प से कर दीजिए सेप, ताकि हेयर कटिंग के वक्त आपके बाल उलझे नहीं और हेयर कटिंग आसानी से हो। अगर आप अकेली हैं तो सेक्शन क्लिप का यूज करिए, अगर आपके पास और भी कोई है तो आप हाथों हाथ किसी से पकड़कर हेयर कटिंग करें। इस तरीके से हमने पकड़ पूरे हेयर को ले जाके नोज पर करते हुए हेयर कट कर दिए। अब इसी तरीके से हम पतले पतले सेक्शन निकालेंगे। निकालने के बाद जो हमारी पहली गाइडलाइन है, जो हमने सबसे पहले हेयर कटिंग किया था, उस गाइडलाइन को मिलाते हुए हेयर कटिंग करेंगे। ध्यान रखें, जितना आप इधर का सेक्शन लेंगे उतना ही दूसरे साइड का भी लेंगे। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, इसी से आपके हेयर इक्वल आएंगे। अगर सेक्शन क्लिप सही से नहीं करेंगे तो आपके हेयर अप डाउन आएंगे, जिससे कि बाद में आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बाद में सेटिंग कम करना पड़े, तो इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। गाइडलाइन को मिलाते हुए हेयर कटिंग करना है। जिस तरीके से हम फिंगर को कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी करना है। हमें इनके थोड़े डैमेज बालों को ज़्यादा निकालना था, इसलिए हमने इतना ज़्यादा कटिंग किया है। अगर किसी और को ज़्यादा लंबे में चाहिए तो आप कम हेयर कटिंग करेंगे और लंबे में रखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी हेयर कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके की सेक्शन बाय सेक्शन करते हुए हमें पूरे हेयर को कटिंग करना है।
हेयर कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे हेयर सेटिंग। आप जब हेयर कटिंग करते हैं तो सामने की तरफ से लेते हैं, लेकिन जब हेयर सेटिंग करते हैं तो हम पीछे के साइड से हेयर को लेंगे। जिस तरीके से हम ले रहे हैं उसी तरीके से लीजिए। आपके हेयर सेटिंग के बाद हेयर कटिंग बहुत अच्छी दिखती है। पूरा स्टेप देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से हेयर सेटिंग करिएगा। ड्रायर का आप ध्यान रखना, आपका जो ड्रायर है हॉट वाली हवा निकलनी चाहिए। अगर कूल वाला निकला तो आपकी हेयर सेटिंग नहीं होगी और बालों में शाइनिंग नहीं आएगा, इसलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और जिस तरीके से पतले पतले सेक्शन में आपने हेयर कटिंग किया है उसी तरीके से पतले पतले सेक्शन में लेते हुए हेयर सेटिंग भी करेंगे, तभी आपकी हेयर दिखने में अच्छी और हेयर कटिंग भी अच्छी आएगी। अब हम पूरे हेयर को इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फाइनल लुक दिखाते हैं कि आपको हमारा यह फाइनल लुक कैसा आया। अब ये हमारा है फाइनल लुक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको यह हेयर कटिंग कैसा लगा और आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिली या नहीं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इनको इनके मनपसंद का हेयर मिला। अगर आपको भी इसी तरीके की हेयर कटिंग चाहिए तो आप हमारे पार्लर आएँ। हमारे पार्लर पे आपको चाहे जिस तरीके की हेयर कटिंग चाहिए सब मिल जाएगा। और कोई भी हेयर कटिंग आपको चाहिए कुछ अलग, तो उसकी पिक ज़रूर लेके आइए। जैसे गूगल से आप कोई भी पिक निकाल लीजिए, हम उस तरीके की हेयर कटिंग दे देंगे। अगर आप कछवा रोड के आसपास हैं तो आप पार्लर आके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से दूर हैं तो कॉल कर सकते हैं, उस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी इसी तरीके की और वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए इस तरीके की और भी हेयर कटिंग की वीडियो लेके आएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इनका पीछे का हेयर पोनी जब करेंगी तो किस तरीके से आएगा। तो इनको तो मेरे हेयर कटिंग बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी चाहिए तो जल्द से जल्द हमारे पार्लर आएँ और हेयर कटिंग कराएँ।